और वैसे भी 50 के बाद गिनती क्या आती है? 51। हाँ, इंग्लिश में कहना हो तो 51, तो पंजाबी में 51, उसमें भी वन शब्द आता है। 51 आपको बोलना है तो उसमें भी वन शब्द आता है, 51 बोलना है तो उसमें भी वन शब्द आता है। 50 के बाद की जो उम्र है ना, वो घर में रहने की है ही नहीं, वो वन शब्द आता है ना, 51, वो बार बार आपको इंडिकेट करने लगता है कि प्यारे अब घर में रहने की उम्र गई, वन जाने की शुरू हुई, अब चलो वन की ओर। वन की ओर का मतलब वन भाग जाओ, जंगल भाग जाओ नहीं, गलत अर्थ ना करना। न घर छोड़ो न हरि भूलो, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो घर में ही लेकिन जैसे कमल रहता है पानी में। घर तुम्हारे भीतर न हो, तुम घर में रहो लेकिन अनासक्त भाव से। तो राजा भरत ने भी ऐसे बहुत अच्छा राज्य किया, और बाद में अपने ज्येष्ठ पुत्र को गद्दी दी और वो भी वन चले गए। अब वन में जाकर उन्होंने बहुत अच्छा भजन शुरुआत की, खूब भगवान का ध्यान भजन पूजा पाठ करते थे गंडकी नदी के तीर पर। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन एक मृगा सगर्भा थी, वो पेट में बच्चा था, सिंह की दहाड़ से डर के मारे वो गंडकी नदी में उसने एक छलांग लगा दिया। तो एक तो बह, दूसरा छलांग लगाई, तो बीच जल धारा में ही उसका प्रसव हो गया, बच्चा उसका बीच में ही जन्म ले लिया। अब वो तो जैसे तैसे तैर करके पार कर गई नदी, लेकिन उस पार जाते ही वो मृगा मर गया, और वो मृग शावक जो जन्म लिया था बच्चा छोटा बालक, वो पानी में बहने लगा। और भरत राजा वहां पर बैठे भगवान का भजन कर रहे थे, नजर पड़ी, सर्दी का महीना था, और अकेला वो मृग शावक जल की धारा में बहा जा रहा है। दया आ गई और तुरंत नदी में कूद कर तैर कर उस बच्चे को बाहर निकाला। ठंडी लग रही थी उसको बहुत, तो अग्नि जलाकर उसकी सिकाई करवाई। बाद में उसको बहुत भूख लगी थी, बच्चा ही तो जन्मा ही तो था, तो कहीं से दूध लाकर उसको पिलाया। अब यहां तक का कार्य उन्होंने बहुत अच्छा किया, किसी डूबते हुए को बचाना अच्छा कार्य है, उसकी सेवा करना देखभाल करना अच्छा कार्य है। लेकिन और अच्छा तब होता जब इस मृग को बाद में मृग की टोली में छोड़कर आते, लेकिन ऐसा न किया, अपने आश्रम पर ही रखे रह गए। और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा और राजा भरत को बड़ा प्यार करने लगा, कभी आकर चाटता, कभी आकर सूंघता, कभी गोद में बैठ जाता, कभी पीठ में चाटने लगता। राजा भरत को भी ना उससे बड़ा प्यार हो गया, बड़ी आसक्ति हो गई। माला लेकर जैसे ही बैठते भजन करने को, और इतने में मृग का बच्चा आ जाता, माला रख देते और उसको प्यार से सहलाने लगते। अब धीरे 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 हरि भजन कम हुआ और हरिणी से प्यार ज्यादा हुआ। अब आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, इसी को तो कहते हैं, आए थे भगवान के भजन के लिए, और धीरे 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 हरिणी से प्यार बढ़ गया, आसक्ति बढ़ गई। और एक दिन हुआ क्या कि राजा भरत ध्यान में बैठे थे और मृग शावक किसी मृग की टोली में शामिल होकर उनके साथ ही चला गया। अब राजा भरत जब ध्यान से उठे तो देखा कि मृग का बच्चा नहीं है, वो शावक नहीं है। आसपास आवाज दिया लेकिन कहीं पता नहीं, बड़े घबरा गए, बड़े परेशान हो गए, कहां गया।
दूर दूर जंगलों में जाकर खोजने लग गए। रात रात भर खोजते रहे, कहीं भी पता न चला। राजा भरत बहुत दुखी हुए, लगता है किसी हिंसक जानवर ने उसको मार के खा लिया। आए निराश होकर अपनी कुटिया पर, अब मृग के चिंतन में बड़े उदास रहने लग गए। अब हुआ क्या, उसी समय अंतकाल आ गया, मृत्यु का समय, और मरते मरते भी राजा भरत को मृग शावक ही याद रहा। तो परिणाम यह हुआ कि जब राजा भरत मरे तो उनको भी मृग की योनि में आना पड़ा। कालंजर पर्वत पर जन्म हुआ, लेकिन एक कृपा भगवान ने की, अपना पूर्व जन्म उनको याद रहा। जब कालंजर पर्वत पर जन्म हुआ, बड़े पछताए, सोचा कि देखो भगवान ने इतना अच्छा मानव तन दिया था, मैं कहां इस मृग के बच्चे के चक्कर में पड़ गया और आज मैं भी मृग बन गया। तो चले आए पुनः गंडकी नदी के किनारे और यहीं आसपास घूमते रहे, भगवान का भजन करते रहे। और एक दिन ऐसा आया कि मृग योनि से भी छुटकारा मिला, तो भगवान ने एक बार और चांस दिया, एक मौका और दिया। अब की बार एक ब्राह्मण के घर में जन्म दिया, फिर से मनुष्य बनाया। अब की बार भरत ने सोचा कि नहीं, अब मुझे कोई गलती नहीं करनी है, अब सावधान रहना है मुझे। पिता ने देखा कि बालक बड़ा ही तेजवान लग रहा है, गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलवाई और बार बार कहा बेटे गायत्री मंत्र बोलो। तब उस बालक ने सोचा कि यदि अब मैं पिता के साथ बातें करूं, ये सारा मंत्र पढ़ाएंगे, बाद में पोथी पत्रा पकड़ा कर कहेंगे जाओ शादी विवाह करवाओ, यजमानों की सेवा करो, और फिर से वही सब बंदरों में बन जाऊंगा। नहीं, गायत्री मंत्र भी न बोले। पिता के बार बार कहने पर गायत्री मंत्र भी न बोले। और बाद में बड़ी प्यारी कथा है, पर समय अभाव है इसलिए संक्षेप में आपको बताऊं। एक राजा है, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण, बड़ा अभिमानी राजा, कंधे पर बैठ करके पालकी में बैठ करके कथा सुनने जाता था सत्संग करने। तो एक दिन कोई कांहार उसका बीमार हो गया, तो कहा कि जाओ किसी को भी पकड़ के ले आओ, प्रजा हमारी सेवक ही तो होती है। तो कांहार लोग ढूंढने गए और कोई तो न मिला, यही जड़ भरत जी मिल गए। आए बाबा इधर आ, चलो राजा साहब की सेवा में। तो जड़ भरत जी बोलते तो थे ही नहीं, कहा चलो। और जैसे ही पालकी में ला करके लगा दिया, तो जड़ भरत जी बड़े सावधान रहते हैं, कोई चींटी भी पांव के नीचे न दब करके मर जाए। तो जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा दिखाई देता, एकदम छलांग मार देते, उछल जाते। और उछलते तो पालकी में बैठे राजा का सिर पालकी में टकराता, राजा चिल्लाता क्या कर रहे हो तुम लोग, एक पालकी नहीं चलाई जा रही। तो कहारों ने कहा कि मालिक हम नहीं कर रहे, ये जो नया वाला आया ना ये गड़बड़ कर रहा है। राजा रहुगण ने जड़ भरत को बहुत डांट लगाई कि मूर्ख खाखर कर इतना मोटा हो गया है, पालकी नहीं उठ रही है, लगता है तुझे दंड देना पड़ेगा। और जब रहुगण ने ऐसा कहा, जड़ भरत आज पहली बार हंस पड़े, खूब हंसे, ठहाका मारकर हंसे। और बार बार पिता के कहने पर जो गायत्री मंत्र भी न बोले थे, आज रहुगण के ऊपर बरस पड़े, खूब बोले। कहा रहुगण तू क्या मुझे दंड दे, इस शरीर को क्या दंड दे सकते हो।
मोटा होना, पतला होना, ठिगना होना, लंबा होना, ये शरीर के धर्म है राजन, मेरे नहीं, क्योंकि मैं तो अविनाशी आत्मा। भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, ये सब शरीर के धर्म है, मेरे नहीं, तो मेरी क्या चिकित्सा करेगा। ज्यादा से ज्यादा गेहूं को पीस करके आटा बनाया जा सकता है, आटे को पीस करके मैदा बना सकता हो, लेकिन मैदे को पीस कर क्या बनाओ। रहुगण समझ गया जरूर कोई परमहंस मालूम पड़ता है, पालकी से कूद गया, चरणों में गिरा करके और कहा कि महाराज कौन है आप, मुझे क्षमा करिए, मैं आपको पहचाना नहीं। तब भरत ने कहा, राजन संसार में यही सबसे बड़ा प्रश्न है, को हम, कौन है हम। कभी आप भी बैठकर सोचना, आप हैं कौन, आपका जो नाम है, आप कभी सोचना कि वो नाम किसका है। ये तो हाथ है, ये उंगलियां हैं, ये पेट है, ये मस्तक है, तो जो नाम है वो किसका है। जो भी नाम आपका हो, सोचना कभी ये नाम है किसका, यही सबसे बड़ा प्रश्न है, कौन है हम, को हम। कहा, राजन जो तुम हो वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही ये पूरा संसार है। सूर्य के नीचे हजार घड़े रखे हों और सब में जल भरा हो तो सूर्य हजार दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत यह है सूर्य दिखाई जरूर हजार दें पर सूर्य एक ही होते हैं। ऐसे ही हजारों जीवों के भीतर अलग अलग चेतनाएं दिखाई देती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो सारी चेतना एक ही है, चेतना अलग अलग नहीं। अब बिजली का वायर पड़ा हो, अब इस एक ही वायर में कहीं बल्ब जल रहा हो, कहीं पंखा चल रहा हो, कहीं फ्रिज लगा हो, कहीं कूलर चल रहा हो, कहीं एसी लगा हो, करंट एक ही है। हाँ, यंत्र अलग अलग हैं, इसलिए आपको मालूम पड़ता है कि बिजली अलग होगी, नहीं, वो करंट सप्लाई जो हो रहा है, विद्युत, वो सब में एक है, वो कहीं से कटी नहीं है। एक कटेगी तो सब कट जाएगा, सारी सप्लाई एक ही तरह हो रही है। इसी तरह हम सबके शरीर अलग अलग जरूर हैं, लेकिन उसमें जो चेतना का प्रवाह बह रहा है ना, वो एक ही है, एक ही चेतना का प्रवाह, अलग अलग नहीं है। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं, पानी सब में एक। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं, पानी सब सबके बर्तन अलग अलग हैं, पनिहारी अलग अलग हैं, लेकिन पानी वह तो एक ही है ना। बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया, लेकिन प्रश्न यह होता है कि भाई आज जड़ भरत इस राजा से आखिर इतना बरस क्यों पड़े। पिता के बार बार कहने पर जो गायत्री मंत्र भी न बोले थे, आज इस राजा के ऊपर क्यों बरस पड़े इतने। एक संत ने बहुत अच्छी बात बताई कि वो राजा भरत मरकर मृग बने थे ना, मृग से बाद में फिर मनुष्य बने, तो उधर मृग का क्या हुआ, वो जो मृग शावक था वो भी राजा का चिंतन करते करते मरा था,
इसलिए मृग का बच्चा भी राजा बना। और ये रहुगण कोई और नहीं है, वही मृग शावक है। आज फिर से दोनों मिल गए और एक दूसरे को उपदेश दे करके दोनों भवसागर पार। ऐसे भरत नाम के राजा के कारण ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तत्रापि भारतम एव वर्षम कर्म क्षेत्र, धन्य है भारत की धरा। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।